बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी चिकन सैंडविच घर पर कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। आप पूरी रेसिपी देखने के लिए हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि हर स्टेप आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके लिए जो मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए ये मैंने स्लाइस लिए हैं, ये तकरीबन 8 अदद स्लाइस हैं ब्रेड के। और ये मैंने चिकन जो है वो बॉईल करके उसके ये रेशे कर लिए हैं। इस तरह इसको बारीक जो है कर लिया है। और इसके लिए चाहिए मायोनीज़, ये मैंने घर में मायोनीज़ तैयार की है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, गार्लिक थोम या गार्लिक मायो रेसिपी बाय हेल्थ फूड फिटनेस एंड फन सीक्रेट्स, आप सर्च कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। और इसके लिए मैंने ये पोटैटो लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। आलू ये 2 अदद मैंने लिए हैं, इनको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से। और ये 1 अदद प्याज मैंने बारीक काटी हुई है, और 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट है, और ये थोड़ा सा शिमला मिर्च और बंद गोभी है, इसको भी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। जी व्यूअर्स, ये मैंने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, इतना ही ऑयल लेना है जितना कि इसको ब्रश की मदद से लगा लें जस्ट पैंदे में। अब हम इसमें लहसुन अदरक पेस्ट फ्राई करेंगे। सबसे पहले जी व्यूअर्स, लहसुन अदरक जो है वो मैंने डाल दिया, इसको मैं फ्राई कर दी। जी व्यूअर्स, लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, 1 अदद बड़ी प्याज मैंने काटी हुई है, इसको भी लाइट ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स, प्याज भी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, हमारी वेजिटेबल्स भी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं जिसके रेशे किए हैं बॉईल करके। इसको भी फ्राई करेंगे और साथ ही हम पोटैटोज भी ऐड कर रहे हैं। व्यूअर्स, पोटैटोज भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, आप हसबे ज़रूरत डाल सकते हैं। ये व्यूअर्स, अब मैं स्टोव ऑफ कर रही हूँ, चूल्हा ऑफ कर देंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप और 2 टेबल स्पून इसमें गार्लिक मायो जाएगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया सैंडविच का। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम सैंडविच जो हैं वो फिल करेंगे। ये मैंने स्लाइस लिए हैं, इसमें से 1/2 पे मैं लगाऊंगी केचप और 1/2 पे गार्लिक मायो लगाऊंगी ताकि एक सैंडविच में दोनों टेस्ट आए, गार्लिक मायो का भी और केचप का भी। जी व्यूअर्स, ये मैंने 1/2 पे केचप और 1/2 पे गार्लिक मायो लगा लिया है। इस तरह मैं सारे सैंडविचेस जो हैं वो रेडी कर लूँगी। अब मैं इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया था ये हम सब ऐड करेंगे। ये आप चाहे मायो वाले स्लाइस पे
स्प्रेड कर लें या फिर केचप वाले पे। आपने ये अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि आपके हर बाइट में चिकन जो है वो आए। बहुत ही मज़े के सैंडविचेस हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। और इनमें से हाफ जो है वो सैंडविच मेकर में बनाकर दिखाऊंगी आपको, और हाफ को जो है वो तवा या फ्राइंग पैन पे आप बना सकते हैं। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवा या फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। आपको हर तरीके से बनाना आना चाहिए। अगर अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप ये झटपट रेसिपी जो है वो बना सकते हैं। अब ये जो केचप वाला सैंडविच है स्लाइस, ये मैं इस वाले पे दे दूंगी, और जो मायो वाला है वो केचप वाले स्लाइस पे रख देंगे। और इस तरह हम बाकी के सैंडविचेस भी रेडी कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने सैंडविच हैं वो फिल कर लिए हैं। अब मैं इस पे जो मैंने सैंडविच मेकर में बनाने हैं उसमें मैं थोड़ा सा घी या बटर जो है मेल्ट करके उस पे लगाऊंगी। ये देखें, ये मैंने घी जो है वो मेल्ट किया हुआ है। अब मैं ये इन स्लाइसेस पे लगा दूंगी दोनों साइड्स पे जो मैंने सैंडविच मेकर में बनाने हैं। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा इस पे लगा दीजिए, दोनों साइड्स पे आपने लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। ताकि ये हार्ड ना बने, सॉफ्ट बने। इस तरह दोनों साइड्स पे मैं लगा दूंगी। थोड़ा सा मेल्ट कर लें ताकि इजीली जो है वो लग जाए। जी व्यूअर्स, ये मैंने घी जो है वो लगा लिया है। आप बटर भी लगा सकते हैं। और बाकी के जो जो स्लाइस हैं दो मैं वो तवे में फ्राई करूंगी। उसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल सिर्फ ब्रश से लगाया हुआ है पैंदे में, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना आपने। ये देखें, अब मैं इनको इसमें फ्राई करूंगी। बहुत स्लो आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, कुछ सैंडविचेस जो हैं वो हम इसमें रेडी करेंगे। ये मैं इसमें रख रही हूँ सैंडविच मेकर में। अब हम इसको क्लोज कर देंगे और ऑन कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये मैंने ऑन कर दिया है। ये इसकी रेड लाइट जो है वो जल रही है। जब ग्रीन इसकी लाइट जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी तो इट्स मीन कि आपके सैंडविच जो हैं वो रेडी हो गए हैं। जी व्यूअर्स, हमारे सैंडविच जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें, लाइट ब्राउन हो गए हैं। अभी लाइट जो है वो ग्रीन ऑन नहीं हुई थी, मैंने पहले ही चेक कर लिए थे, तो ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना चाहें तो और आप कर सकते हैं। इस तरह मैं सारे सैंडविचेस रेडी कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने लाइट ग्रीन होने पर ऑफ़ किया था, तो ये थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं। इस तरह आप जिस तरह के चाहें बना सकते हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये जो मैंने तवे में फ्राई किया है फ्राइंग पैन पे, ये तवे पे आप कर सकते हैं। ये भी हमारा फ्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। ये देखें, बहुत ही मज़े का सैंडविच जो है वो रेडी हो गया है। इसको हम सेंटर में कटिंग कर लेंगे, तो कौन शेप में। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने कटिंग कर ली है जो फ्राइंग पैन पे मैंने बनाया है। ये अंदर से ऐसे नज़र आया, बहुत ही मज़ेदार सैंडविच रेडी हो गए हमारे। और ये जो सैंडविच मेकर में बनाए हैं हमने सैंडविचेस, वो भी रेडी हो चुके हैं। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
आप खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी बनाकर खिलाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपीज़ आपको रोज़ाना फ्री में मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।